भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली मारुति सुजुकी कंपनी बहुत जल्दी ग्राहकों के बजट में आने वाली एक नई कार को नए अवतार के साथ लाने की तैयारी पूर्ण रूप से कर रही है। इस कार का था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। वैसे तो साल 2022 में कंपनी कई सारी अपनी पुरानी कारों को नए अपडेट वेरियंट और फेसलिफ्ट डिजाइन के साथ भारत में लॉन्च कर चुकी है। इसके बाद कंपनी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स इन कारों पे पुराने मॉडल की तुलना में देखने को मिला है तथा ग्राहकों के मन में इन कारों को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता बनी हुई है। आखिरकार मारुति सुजुकी की आने वाली अपकमिंग न्यू कारें ये महीनों के अंदर और भी ज्यादा नए अवतार में दिखाई देने वाली है। इनमें से एक छोटी मारुति सुजुकी की अपडेटेड कार सर्वो भी शामिल है। जी हाँ, भारत में मारुति सुजुकी सर्वो को पूर्ण रूप से काफी ज्यादा रिजनेबल प्राइस रेंज के चलते पसंद किया जाता था। ये कार भारत में ऑल्टो से भी ज्यादा कम कीमत में मौजूद 2 लाख के अंदर कार थी, जो कि भारत में एक कार लेने वाले व्यक्ति का सपना पूरा करती थी। फाइनली इस कार को एक नए रंग रूप के साथ और एक बेहतरीन डिजाइन और 2022 के तहत अपडेट करके लाया जा रहा है। इसका इंतजार काफी लंबे समय से भारतीय ग्राहक करती आ रही है। आज की वीडियो में हम खुलासा कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन सर्वो के सभी स्पेसिफिकेशंस और इंटीरियर फीचर्स के बारे में। इस कार को लेने में आप सभी को इस साल काफी ज्यादा मदद करने वाले है, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कंपनी के मुताबिक ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से कार को खूबसूरत और बहुत सारे फीचर्स के साथ कम कीमत में मार्केट के लिए लाया जाएगा, जैसे कि सर्वो के पुराने मॉडल में देखा जा सकता है। कार को नए अवतार के साथ एक रिजनेबल प्राइस रेंज की कीमत के साथ लॉन्च किया जाएगा, तो आज के टाइम में भी ये कार आज ग्राहकों के कार लेने का सपना पूरा करने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कार के इंजन तथा परफॉर्मेंस की अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट जनरेशन सर्वो में आखिरकार कौन से इंजन का प्रयोग किया गया है, जो कि इस कार को अन्य कारों के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस भारत में बनाने वाला है। साथ इस कार के अंदर आप सभी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला 2022 पे वर्किंग V6 इंजन ऑप्शन देखने को अब पुराने मॉडल की तुलना में दिखाई देगा कि 1.2 लीटर का K10B टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन 3 सिलेंडर द्वारा संचालित किया गया है। भारत की सड़कों पे अधिकतम आप सभी को 82 PSP की मैक्सिमम पावर को जनरेट करता है, जिसके चलते पावर को जनरेट करने के बाद आप सभी को 110 Nm का टॉर्क प्रदान कर पाने में ये कार क्षमता रखती है। यानी जबरदस्त स्पीड के साथ परफॉर्मेंस वाली ये कार भारत में अब 5 स्पीड EMT और मैनुअली दोनों विकल्प गियर बॉक्स के साथ मिल की गई है। माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो कंपनी का दावा है कि नेक्स्ट जनरेशन सर्वो अपने सेगमेंट में अभी तक का सबसे ज्यादा माइलेज भी जनरेट कर सकती है, क्योंकि इस कार में छोटी होने के साथ ही साथ ट्रेन इंजन परफॉर्मेंस वाले अपडेट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लैस करके भारत की कोई भी सड़कों पर आपको अधिकतम 28 से 32 के आसपास माइलेज दे पाने में क्षमता रखती है। पेट्रोल के दाम को देखते हुए आजकल कोई इंसान पेट्रोल वेरिएंट की तरफ नहीं जाना चाहता है, मगर मारुति सुजुकी ने अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने इंजन को नए अपडेट्स दिए हैं, जिसके कारण आप सभी की कारें अब फ्यूल कम खपत के कारण जबरदस्त परफॉर्मेंस और जबरदस्त माइलेज भारत की सड़कों पर देने वाली है। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे अपडेट्स की बात करी जाए जो कि भारत में इस कार को काफी ज्यादा अलग बनाती है। मारुति सुजुकी की आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सर्वो 2022 में आप सभी को 260 लीटर का बूट स्पेस ऑप्शन इस कार में मिलता है, यानी पुराने मॉडल की तुलना में कार को बड़ा डिजाइन किया गया है। इसमें 5 लोग आसानी से बैठ के सफर कर पाएगी। इसका कुल वजन भारत के लिए 125 से लेकर 870 किलोग्राम रखा गया है। वहीं इसमें 32 लीटर का फ्यूल कैपिटी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी जबरदस्त है। मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन सर्वो 2022 भारतीय बाजार में 4 वेरिएंट ऑप्शन के साथ लॉन्च होने वाली है, और इस कार को एक कॉम्पिटिटिव CNG विकल्प ऑप्शन के साथ भी भारतीय ग्राहकों के लिए लाने की उम्मीदें जताई जा रही है। ये बात कर ली जाए आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सर्वो के एक्सटीरियर के बारे में, जो कि इस कार को भारत में काफी ज्यादा अलग बनाने वाली है। जी हाँ, नेक्स्ट जनरेशन सर्वो को वाकई में ही अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल और अपडेट डिजाइन के साथ लाने की प्लानिंग चल रही है। इस कार के फ्रंट पे देखा जाए तो अब बोरिंग स्टाइल के चलते अब इस कार को एक माइक्रो अपडेट स्टाइल दिया गया है, जिसके चलते बैठने के बाद आपको एक SUV वाला फील इस कार में होने वाला है। देखने में तो ये कार हैचबैक जैसी लगने वाली है, मगर लुक के मामले में आपको फीचर्स डिजाइन वाली अपकमिंग कारों की याद दिलाती है, और साथ ही साथ फ्रंट पे LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का एक स्लिक लाइट अपडेट द्वारा संचालित करते हुए सेटअप को दर्शाया गया है, जो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन और फॉग लाइट्स के साथ काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा है। इसमें रेटिना अपडेट फ्रंट से डिजाइन की गई ग्रिल्स दिखाई देती है, जो कि क्रोम और ब्लैक आउट किट के साथ काफी जबरदस्त आ रही है। साथ ही साथ ब्रांड न्यू सुजुकी के लोगो को दर्शाया गया है। फ्रंट पे देखने में इस कार को लोअर रखा गया है और बैक तक
देखते हुए थे। ये कार फ्रंट से भी काफी ज्यादा मस्कुलस लगती है। साथ ही साथ साइड प्रोफाइल की बात करें तो 17 इंच की अपडेटेड प्लस कॉम्प्लीकेटेड अलॉय व्हील सबो के सभी वेरिएंट्स में दिखाई देने वाले हैं। कार के न्यू हैंडल्स बार को क्रोम फिनिशिंग के साथ अपडेट किया गया है और सबसे खास बात यह है कि इस कार के राइट मिरर के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरे को पोजीशन किया गया है जो कि भारी व्यूज को आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम तक पहुंचाने वाले हैं। इलाके कहे तो सब वो दिखने में छोटी है मगर अपने सेगमेंट की सबसे खूबसूरत कारों में शुमार होने वाली है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी चाहती कार कितना अपडेट होते हुए 2022 में एंट्री लेने वाली है। तो अगर आप सभी का बजट आज भी 4 से 3 लाख रुपए के अंतर्गत है और एक बेहतरीन कार को लेने का प्लान बना रहे हैं, सेकेंड हैंड कार की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये विकल्प आप सभी के लिए कम दाम में सबसे बेस्ट विकल्प ऑप्शन होने वाला है। 2022 सबवो के डिजाइन और इंटीरियर के लेआउट पुराने मॉडल से काफी अलग होने वाले हैं। हालांकि इस कार के डैशबोर्ड को डुअल तथा ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ अपडेट किया गया है जिसमें वुडन फिनिशिंग का काफी ज्यादा टच दिया गया है। बीच में सेंटर कंसोल की शान बढ़ाने वाला छोटा नहीं बल्कि अपने सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठने वाला 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन देखने को मिला है जो कि न्यू स्मार्ट स्टूडियो कनेक्टिविटी कंट्रोल अपडेट से लैस किया गया है जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट ऑन बोर्ड नेविगेशन सपोर्ट भी करता है। साथ ही साथ वॉइस रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा एक्सेस भी किया जा सकता है यानी अपने फंक्शंस को आप वॉइस कमांड से भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि आप सभी के लिए इस कार में नया अनुभव है। दोनों साइड आप सभी को न्यू स्टाइल डिजाइन वाले एयर कंडीशनर वेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि ऑटोमेटिक रखे गए हैं। 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन पर विंडो के साथ ही साथ आप सभी को फास्ट चार्जिंग की सुविधा यूएसबी पोर्ट चार्जिंग के साथ JBL के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन जो म्यूजिक सुनने वालों के लिए इस कार के अंदर चांद चांद लगा रहे हैं। साथ ही साथ सीटों की बात करें और कम्फर्ट के मामले में सर्वो की सीटों को अपोल सीट से रिप्लेस किया गया है। आज भी इस कार के बजट सेगमेंट के हिसाब से वेरिएंट के अंदर आपको बजट सीटें देखने को मिल रही है जो कि महंगी महंगी कारों में दिखाई देती है। फिल लेदर से अपडेटेड इन सीटों को कटने फटने से बताया जा सकता है। साथ ही साथ कार की सीटों को 14 तरीके से फोल्ड करके बूट स्पेस को मेंटेन इस कार में किया जा सकता है। सर्वो के आने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में जो कि भारत में हर कार निर्माता अपने कारों में अपडेट करती आ रही है। हर ग्राहक आज के टाइम में अपनी कार में एक बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट चाहता है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सर्वो को हाईटेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है जिसके चलते 80% तक स्टेनलेस स्टील से बॉडी का डिजाइन इस कार में दिया गया है। अपडेटेड सिस्टम के साथ सबसे प्रमुख ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम भी डुअल कैमरे अपडेट ऑप्शन के साथ दिखाई देता है और साथ ही साथ ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट मानकों के तहत इस कार को 5 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ब्रेकिंग असिस्ट के साथ क्रूज कंट्रोल डिपार्चर वार्निंग एंटी थीफ अलर्ट्स अलार्म सिस्टम साथ ही साथ 2 नए मोर फ्रंट साइड और कैटिंग एयरबैग्स को भी शामिल किया गया है यानी अब ये कार फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स के साथ लैस की गई है। मिला के कहे तो हमारी सर्वो कार और भी ज्यादा स्मार्ट होकर भारत में एंट्री लेने वाली है। कीमत की बात करी जाए तो इस कार को रिजनेबल प्राइस रेंज के चलते आज भी लॉन्च किया जाएगा। भारत में नेक्स्ट जनरेशन सर्वो की स्टार्टिंग कीमत 3.80 लाख रुपीज एक शोरूम अनुमान लगाई जा रही है। टॉप वेरिएंट की बात करें तो 6.80 लाख रुपीज तक जाने का अनुमान कहा जा रहा है। लाइन नहीं लगाना चाहते हैं इस कार के लिए और सबसे पहले घर ले जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए, अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। वीडियो बनाने में लगता है काफी टाइम तो जरूर से एक लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।